नमस्कार, आप देख रहे हैं युग चरण और मैं हूं आपके साथ खुशबू सिंह। आइए नजर डालते हैं देश और विदेश से जुड़ी कुछ बड़ी खबरों पर। भारतीय जनता पार्टी की लोकसभा चुनाव को लेकर के तैयारियां तेज है। चुनाव जीतने और मजबूत दावेदारी के लिहाज से बीता विधानसभा चुनाव हारे कुछ प्रमुख दिग्गज नेताओं और मौजूदा कुछ प्रमुख विधायकों के नाम पर भी सर्वे कराया गया है। सूत्रों के मुताबिक 25 लोकसभा सीटों पर एक प्रमुख एजेंसी के जरिए सर्वे कराने की खबर है। एक एक सीट पर 2 से 3 नामों को लेकर के सर्वे कराया गया है और इसमें एक ही महत्वपूर्ण फॉर्मूला होता है, वो है जिताऊ। जो जिताऊ होता है उसे ही राजनीतिक दल टिकट देने में यकीन रखते हैं। राजस्थान में भी 25 लोकसभा सीटों को लेकर भाजपा के सर्वे जारी हैं। उन दिग्गज नामों को लेकर के भी सर्वे कराया गया है जो बीते विधानसभा चुनाव में हार का मुंह देख चुके थे। इतना ही नहीं, कुछ उन नामों पर भी सर्वे कराया गया है जो विधायक बन चुके हैं। सर्वे एजेंसी ने एक एक सीट पर 2 से 3 बड़े नेताओं के नाम पर सर्वे कराया है। जो योग्य होगा टिकट उसे ही मिलेगा। अब ये रणनीति नहीं बनी है कि विधानसभा चुनाव में पराजय झेल चुके नेता को टिकट दिया जाएगा या नहीं। किसान आंदोलन का शनिवार यानी 24 फरवरी को 12वां दिन है। पंजाब के किसान शंभू और खनौरी बॉर्डर पर डटे हुए हैं। किसानों ने दिल्ली कूच का फैसला 29 फरवरी तक टाल दिया है। किसान नेता सरवन पंधेर ने कहा कि इस पर उसी दिन फैसला लेंगे। शंभू और खनौरी बॉर्डर पर आज शाम को कैंडल मार्च होगा। वहीं हरियाणा के 7 जिलों में मोबाइल इंटरनेट पर रोक 24 फरवरी की रात 12 बजे तक के लिए बढ़ा दी गई है। उधर खनौरी बॉर्डर पर बठिंडा के युवा किसान शुभकरण का अभी अंतिम संस्कार नहीं हुआ है। पंजाब सरकार ने परिवार को 1 करोड़ का मुआवजा और बहन को सरकारी नौकरी की घोषणा की। किसान संगठनों और परिवार की मांग है कि पंजाब पुलिस शुभकरण की मौत के मामले में हत्या की FIR दर्ज करे। चंद्रमा के साउथ पोल पर लैंड होने वाला अमेरिकी प्राइवेट स्पेसक्राफ्ट चांद की सतह पर तिरछा गिरा है। ये जानकारी स्पेसक्राफ्ट को बनाने वाली ह्यूमन बेस्ड प्राइवेट कंपनी इंटीटी2 मशीन्स ने शुक्रवार देर रात दी। मशीन्स के लैंडर ओडीसीएस को 15 फरवरी 2024 को लॉन्च किया गया था। 23 फरवरी को भारतीय समय के मुताबिक 4:53 पर इसकी चंद्रमा के साउथ पोल पर लैंडिंग हुई थी। कंपनी ने लैंडिंग को लेकर कहा था कि लैंडर ओडीसीएस सही तरीके से लैंड हुआ, लेकिन शुक्रवार देर रात कंपनी के CEO स्टीव एल्टमस ने कहा कि डेटा में गड़बड़ी की वजह से ये जानकारी मिली थी। लैंडिंग से पहले ओडीसीएस के नेविगेशन सिस्टम में कुछ खराबी आई, उसके बावजूद भी लैंडिंग कराई गई। अब लैंडर तिरछा गिरा है। हमें लगता है कि चांद की सतह पर उतरते ही उलट गया। टेक कंपनी गूगल ने ईमेल प्लेटफॉर्म जीमेल की सर्विस बंद करने की वायरल हो रही फर्जी खबरों को खारिज करते हुए कहा कि ये जारी रहेंगी। जीमेल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपनी पोस्ट में कहा कि जीमेल यहाँ रहने के लिए है। इससे पहले एक्स पर एक पोस्ट में दावा किया गया कि टेक दिग्गज कंपनी गूगल इस साल जीमेल को बंद करने जा रही है। पोस्ट में एक ईमेल का स्क्रीनशॉट शेयर किया गया था जिसमें दावा किया गया कि 1 अगस्त 2024 को जीमेल बंद हो जाएगा। अफवाह की शुरुआत एक फेक इमेज से हुई जिसे जीमेल की ओर से किए गए ईमेल की तरह डिजाइन किया गया है। इसमें यह दावा किया गया कि कंपनी इस साल के अंत में जीमेल को बंद करने की तैयारी कर रही है। ये इमेज एक्स और टिकटॉक सहित कुछ अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फैल गई। कुछ रिपोर्ट्स का दावा है कि इसकी शुरुआत टिकटॉक ऐप से हुई। इनमें से कुछ पोस्ट में दावा किया गया कि जेमिनी इमेज जनरेशन को लेकर तमाम आलोचनाओं के बाद गूगल जीमेल को बंद कर रहा है। मैसेज में लिखा था, वर्षों तक दुनिया भर में लाखों लोगों को जोड़ने, बिना रुके कम्युनिकेशन को सक्षम बनाने और अनगिनत कनेक्शनों को बढ़ावा देने के बाद जीमेल का सफर समाप्त हो रहा है। इसमें आगे कहा गया कि 1 अगस्त 2024 से जीमेल ऑफिशियली बंद हो जाएगा, जिससे इसकी सर्विस खत्म हो जाएगी। राजस्थान में लगातार मौसम का मिजाज बदलता जा रहा है। कभी तेज धूप तो कभी तेज ठंडी हवाओं का असर देखने को मिल रहा है। प्रदेश में पिछले दिनों में हुई बारिश के बाद सर्द हवा ने तापमान में गिरावट ला दी है। मौसम विभाग के अनुसार राजधानी जयपुर में शनिवार को सवेरे से ठंडी हवाएं चल रही हैं। उधर प्रदेश के अन्य भागों में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर भारत में बर्फबारी के बीच 26 फरवरी से राजस्थान में मौसम का मिजाज एक बार फिर बदलेगा। प्रदेश के 12 जिलों में एक बार फिर पश्चिमी विक्षोभ का असर देखने को मिलेगा, जिसके चलते 26 से 27 फरवरी के बीच जयपुर सहित प्रदेश के दर्जन भर जिलों में मौसम फिर से पलटवार करेगा।
ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ युग चरण पर। तब तक के लिए नमस्कार।